रहे हैं दोपहर के और बारिश हो रही है। बारिश में जल्दी जल्दी मैं केबल पुलिंग करवा रहा हूँ। देख ये क्या हो रहा है भाई। दूसरे ग्रुप के कुत्ते को भगा रहे ये सारे। ये देखो ये कुत्ता डरा रहा है उसे। ये कुतिया है और ये सारे इनके बच्चे हैं। एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक नई सुबह और एक नए व्लॉग में फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज है 6 जनवरी और मैं अपनी साइट पे पहुंच चुका हूं। तो दोस्तों आज का शेड्यूल हमारा है कि पहले पोल की मार्किंग करना, फिर गड्ढे करवाना। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को A to Z जानकारी दूंगा, तो ये वीडियो पूरा देखें। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे A to Z जानकारी, पोल का मार्किंग करने से लेके गड्ढा करना, फिर उसमें कंक्रीट डालना से लेके केबल तक कैसे डालते हैं, उसका फुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो अभी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं एक गड्ढे की मार्किंग करके गड्ढा करवा चुका हूँ और आगे हमारी JCB और पोकलैंड काम कर रही है। पीछे का व्यू आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और देखते हैं कैसे यहाँ काम किया था। और एक और खुशखबरी की, हमारी कार फिर से वापस आ चुकी है भाई। सबसे पहला काम होता है हम लोगों को, हमारा जो डायग्राम मिलता है उस डायग्राम के अनुसार हमें मेज़र करके डिस्टेंस और निशान लगाना पड़ता है और एक सीधी लाइन करनी पड़ती है कि पोल कहीं टेढ़ा मेढ़ा ना हो। जो हमारी क्रोकी में, जो हमारे डायग्राम में डिस्टेंस दिया रहता है, सपोज 100 मीटर के बाद पोल लगाना है, फिर उसके बाद 100 मीटर के बाद लगाना है, तो इस तरीके से हम 100 मीटर के बाद निशान लगाते, फिर उसके आगे 100 मीटर के बाद निशान लगाते। सपोज कहीं पे नदी आ रहा है या कहीं पे कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए जहाँ पे पोल डैमेज हो सकता है, तो वहाँ पे 2 पोल भी यूज़ होता है, कहीं कहीं पे 3 पोल भी यूज़ होता है। आप वीडियो में देखे होंगे, जो भी पहले वाले वीडियो आप लोग देखे होंगे। तो इस तरह से जगह के हिसाब से हमें पोल लगाना पड़ता है। पहले मार्किंग की जाती है, फिर JCB की मदद से गड्ढा किया जाता है। गड्ढा करने के बाद उसमें कंक्रीट मंगवाकर उसको खड़ा करना पड़ता है पोल को। पोल जब खड़ा हो जाता है, फिर उसके ऊपर हम क्रॉस आर्म लगाते हैं, पोस्ट सस्पेंशन लगा के फिर केबल खींचते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है पोल लगाने का। पोल लगाने के बाद लास्ट में हम लोग का काम होगा ट्रांसफार्मर को रिलोकेट करना। जो भी पुराना लकड़ी के पोल पर ट्रांसफार्मर है उसको उठा के नए वाले पोल पर डालना, फिर सप्लाई देना। तो ये फुल हमारा जो प्रोसेस है ये हमें करना है, लेकिन इसमें वक्त लगेगा क्योंकि हमारे पास 1-2 पोल नहीं, ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट है। तो पहले सारे पोल लग जाएंगे, सारे पोल पे हम केबल डाल देंगे, उसके बाद आगे का हम लोग का जो बचा हुआ काम होगा वो करेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों ये सारा चीज़ डिस्कस करने वाले और मैं दिखाने वाला हूँ किस तरीके से सऊदी के अंदर काम होता है, किस तरीके से जो हमारी 170 mm की मर्लिन केबल है उसको कैसे खींचा जाता है, उसको कैसे पोल के ऊपर डाला जाता है, गड्ढे कैसे किए जाते हैं, कितना मेज़रमेंट किया जाता है, क्या 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 सीन है, वो सारा चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूँगा और आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो वीडियो में बने रहें। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, हमने मार्किंग करवा के ये एक गड्ढा करवाया है और इसके आगे जो पोल नज़र आ रहा है उस पोल से और इस वाले गड्ढे में एक पोल लगेगा, इसके पीछे 3-4 पोल हैं, तो इसका एक पूरा सेक्शन है। फिर इस पोल से आगे जो आपको पोल दिख रहा है उसके आगे हमें लगभग 15-20 पोल और लगाने हैं, जो इस पहाड़ी के बीच में एक गांव आ रहा है वहां तक हमें ट्रांसफार्मर पहुंचाना है, ट्रांसफार्मर लगाना है, बिजली पहुंचाकर वो सप्लाई देनी है। तो इस जगह की हम आगे की मार्किंग करेंगे, तो आप लोग को वीडियो में मैं दिखाऊंगा कैसे मार्किंग की जाती है, फिर उसके बाद गड्ढा कैसे किया जाता है JCB की मदद से। और पोकलैंड हमने मंगवाया है क्योंकि ये नदी है, नदी के किनारे किनारे बिल्कुल पहाड़ है, तो यहाँ पे नीचे पत्थर है, तो पत्थर तोड़ने के लिए हमने पोकलैंड मंगवाई है। तो पोकलैंड से गड्ढा करते हैं, फिर आगे आप लोग को दिखाते जाते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो लास्ट तक देखें, तभी आप लोग को समझ आएगा। जो भी बंदे इलेक्ट्रीशियन, लेबर या फिर इंजीनियर के लिए सऊदी आना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ काम होता है और क्या क्या करना पड़ता है। ये सारी चीज़ आपको लाजिम आनी चाहिए, तो इस वीडियो को देख के आप लोग ये सीख सकते हैं। अभी जहाँ जहाँ गड्ढे हो चुके हैं वहाँ पे मैं सेफ्टी रखवा रहा हूँ,
और साइन बोर्ड रखवा रहा हूँ, क्योंकि ये नदी है और इस नदी में ऊँट वगैरह या कोई आ जाए तो उसे मालूम नहीं पड़ेगा कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे क्या चीज़ है। तो जिस वजह से मैं इंडिकेट करने के लिए सेफ्टी और साइन बोर्ड रख रहा हूँ, देख सकते हैं आप लोग, ताकि किसी भी इंसान को या किसी भी जानवर को इससे लॉस ना हो। सही है गड्ढा, सही है गड्ढा करवाओ वहीं पे। आ जाओ आराम से आ जाओ। अभी पोल की मार्किंग कर रहा हूँ, देखिए इस पोल से हमें 100 मीटर नाप के फिर निशान लगाना। और इस साइड देख सकते हैं पहाड़ों के बीच में मधुमक्खी पालन हो रहा है। सऊदी के अंदर भी मधुमक्खी पालन होता है, देखिए किस तरीके से होता है, किस तरह से मधुमक्खी पालन हो रहा है सऊदी के अंदर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पूरा 50 मीटर पहले खोलो, इधर खाइए, इधर से आओ, इधर से आओ, इधर से मुड़ के आओ, ये नीचे गड्ढा है ना, आ जाओ इधर से ही आ जाओ, बिल्कुल पोल के सेंटर में सटा ना, 50 मीटर पूरा है, पूरा 50 मीटर है, पूरा खुला हुआ है, उसको टाइट करो, फीता टाइट करो, कितना है 40 50, खोलो पूरा, खोलो पूरा, खोलो 50 मीटर जहाँ आता है वहाँ निशान लगाओ पहले। दोस्तों अभी पोल की मार्किंग कर रहे हैं, 10 पोल की मार्किंग कर चुके हैं, देख सकते हैं हमारे सर के ऊपर सूरज महाराज आ चुके हैं और यहाँ का पीछे का नज़ारा देख सकते हैं, और पोकलाइन चलने की आवाज़ आप लोग को मिल ही रही होगी। मैं आगे आगे मार्किंग करता चल रहा हूँ और पीछे से हमारी पोकलाइन गड्ढा करती हुई आ रही है, जेसीबी के साथ में जेसीबी गड्ढा कर रही है और पोकलाइन पत्थर तोड़ रही है, देख सकते हैं। मैं अब साथ में 2 बंदे को लेकर मार्किंग कर रहा हूँ, पीछे पीछे हमारी जेसीबी और पोकलाइन गड्ढा करके आगे आ रही है, देख सकते हैं यहाँ पे मैं निशान लगाया हूँ, पत्थर डाल दिया। इस निशान से उस पोल की डिस्टेंस 90 मीटर है, देखो चेक करो, 90 मीटर होना चाहिए यहाँ से वहाँ उस पोल का डिस्टेंस। तो अभी डिस्टेंस मेज़र कर रहा हूँ दोस्तों, वीडियो में बने रहें आप लोग। अभी दोस्तों मैं आया हूँ अपने स्टोर में और स्टे वायर कम पड़ गया है तो स्टे वायर ले रहा हूँ, देख सकते हैं हमारे बंदे स्टे वायर खोल रहे हैं जो पोल को खींचने में मदद करता है कि पोल डैमेज ना हो। ये देख सकते हैं ये हमारा स्टोर, सारा सामान इधर रखा हुआ है, इस साइड देख सकते हैं दोस्तों ये सारी केबलें रखी हुई है, देख सकते हैं सारा सामान केबल वगैरह ये रखी हुई है। ये हमारा स्टोर, यहाँ से जो सामान कम पड़ता है या जो काम होता है यहाँ से सामान जाता है हमारा। दिन के बज चुके हैं दोस्तों 12 और अभी देख सकते हैं अभी इस पहाड़ी के ऊपर मैं गड्ढा करवा रहा हूँ, बादल लग गया है, शायद बारिश हो, देख सकते हैं मौसम अभी आप, बिल्कुल बादल लग गया है, बिल्कुल पहाड़ के बीच में अभी हमारी जेसीबी काम कर रही है, इधर एक गड्ढा खोद रहा है, ये पहाड़ के ऊपर गड्ढा नहीं हुआ था जिस वजह से ये पोल एक नहीं लगा बीच में, पोकलाइन गड्ढा मारेगी क्योंकि नीचे पत्थर ही पत्थर है पूरा, और हमारी वेंच भी केबल डाल रही है तो दोनों काम एक साथ हो रहा है। मैं वेंच के पास जाता हूँ फिर आपको तरीके से केबल डाला जा रहा है, तब तक वीडियो में बने रहें। भाई साहब क्या गजब का मौसम हुआ है, बिल्कुल बारिश आने वाली है, पहाड़ों पे देख सकते हैं किस तरीके से बादल लगा है, ये देखिए सामने बिल्कुल बड़ा पहाड़ और इधर हम लोग का काम चल रहा है, देख सकते हैं क्या ही गजब मौसम हुआ है भाई साहब, अमेजिंग।
ये देख सकते हैं। खाना खा के निकला हूँ और भाई साहब देख सकते हैं क्या गजब का मौसम हुआ, बारिश भी स्टार्ट हो गई है, क्या गजब मौसम हो चुका है, बिल्कुल पूरा बादल लग चुका है, बारिश भी स्टार्ट हो गई, धीरे धीरे बारिश की बूंदें आ रही है। अगर तेज बारिश होगी तो फिर हमें अपना काम भी बंद करना पड़ेगा। देख सकते हैं आप लोग व्यूज, सामने पहाड़, ये देख सकते हैं। अभी मैं आया था, ये उर्दू में लिखा हुआ मताम पाकिस्तानी, ये होटल है पाकिस्तानी का, उधर खाना खाने के लिए आया था। अभी खाना खा चुका हूँ और अपनी कार में बैठ गया हूँ, अब साइड पे जा रहा हूँ। भाई साहब बारिश में काम करते हुए, बारिश स्टार्ट होने वाली है और देखें हमारा केबल पुलिंग हो रहा है, क्या गजब का मौसम हुआ है। स्टे लग चुका है, एक साइड की केबल पुलिंग हो चुकी है, देख सकते हैं। अब सामने उस वाले पोल से लेके और इस वाले पोल की केबल पुलिंग हो रही है, बंदे काम कर रहे हैं, इस तरीके से काम किया जाता है। देखिए फटाफट सारे बंदे लगे हुए हैं जल्दी जल्दी करने, कहीं बारिश ना आ जाए। एक नदी है, सूखी नदी है और इसमें हम लोग केबल डाल रहे थे, लेकिन मौसम अचानक से ख़राब हो चुका है और जल्दी हमारे बंदे और हम लोग जल्दी जल्दी केबल खींच रहे हैं, कहीं पानी ना आ जाए। पानी आने में ये होगा नुकसान हमें कि इस नदी में बिल्कुल पानी आना शुरू हो जाएगा, तो हमारी केबल को भी डैमेज होने का खतरा है। देख सकते हैं हमने केबल खोल लिया, चार टोटल केबल हैं और देख सकते हैं केबल खींचा जा रहा है जेसीबी की मदद से। ये केबल देखिए उठ रही है धीरे धीरे, इसी प्रोसेस से हम सारी केबल को खोलेंगे। इस तरीके से देखिए केबल खींचा जा रहा है। भी देख सकते हैं दोस्तों, 3 बज रहे हैं दोपहर के और बारिश हो रही है, बारिश में जल्दी जल्दी मैं केबल पुलिंग करवा रहा हूँ। देख सकते हैं हमारी दोनों साइड की केबल पुलिंग हो चुकी है, अभी जल्दी जल्दी टाइट करवा रहा हूँ क्योंकि बारिश में काम करना सेफ नहीं है। जल्दी केबल को टाइट करवा के फिर काम जल्दी बंद करवाएंगे। देख सकते हैं इस तरीके से काम हो रहा है। गुड इवनिंग गाइज, तो अभी हम अपने काम से वापस लौटकर अपने रूम को आ चुके हैं और जैसा कि आगे का तरतीब कर रहा था मैं, खाना क्या बनाना है, क्या चीज़ का इंतज़ाम करना, लेकिन अचानक से हमारे कंपनी की तरफ से फ़ोन आ गया कि अभी 2 ट्रक पोल जो है वो हमारी साइट पे आ रहे हैं, तो अब उधर जाना पड़ेगा। फ़ोन आता हमारे पास कितने देर में वो पहुँचते हैं, फिर हमें जाना पड़ेगा उसे अनलोडिंग करवाने के लिए। तो देखते हैं कितने पोल आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, वो सारी चीज़ का तरतीब करना पड़ेगा, उससे फिर सही जगह पे रखवाना पड़ेगा। तो अभी काम करके आया ही था, आराम भी नहीं हुआ, फिर से दोबारा काम पे जाने की नौबत आ गई। इस तरीके से काम होता है भाई सऊदी के अंदर, आपके पास जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस वो पूरा करना पड़ता है, आप आराम नहीं कर सकते। अब बेशक काम ना रहे फिर आप आराम कर सकते, लेकिन काम जब आ जाए तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बखूबी निभाना पड़ता है। तो देखते हैं कितने देर में आता है, फिर आगे का तरतीब करते हैं कैसे क्या करना है। तब तक हमारे वीडियो में बने रहें, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि हम आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोस बना के आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो गाइस, तो
तो दोस्तों अभी हमारे पास फ़ोन आया कि हमारी गाड़ी जो ट्रक है जिससे पोल आ रहा है वो आ चुकी है। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ रिसीव करने के लिए, क्योंकि जो इंजीनियर होता है उस पर सिग्नेचर करता है कि क्या सामान आपने रिसीव किया, क्या सामान आपके स्टोर से आ रहा। तो अभी मुझे वहाँ पे जाना ज़रूरी है, मैं रिसीव करूँगा तब वो अनलोडिंग होगा। देखिए ये हमारी प्यारी सी मस्जिद और ये बाहर का नज़ारा देख सकते हैं, और ये सामने देख सकते हैं बादल। अभी साइड पे बारिश हुई थी लेकिन अब मौसम साफ़ हो चुका है, बादल हट गए हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ पोल अनलोडिंग करने के लिए, आप लोग वीडियो में बने रहें। ये हमारा पोल आ चुका है दोस्तों, देख सकते हैं ये दो ट्रक हमारा पोल आ चुका है। मैं अपनी गाड़ी के पीछे पीछे जा रहा हूँ, फिर पहुँच के इसे उतरवाता हूँ। हमारा पोल आ चुका है दोस्तों, देख सकते हैं अभी से अनलोडिंग करवाएंगे। ये हमारा 13S का पोल है, ये शायद 62 पीस आया है, बाकी 100 पीस कल आएगा। तो ये सारे पोल कल उतरवाने हैं। ये हमारे वर्क रूम के पास में ट्रक खड़ा है, अभी इसको वेंच की मदद से उतारेंगे। तो वीडियो में बने रहें दोस्तों, देख सकते हैं ये सारा पोल। सऊदी के अंदर ऐसे ही पोल होते हैं। ये क्या हो रहा है भाई? दूसरे ग्रुप के कुत्ते को भगा रहे ये सारे। ये देखो ये 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 कुत्ता डरा रहा है उसे, ये कुतिया है और ये सारे इनके बच्चे हैं। ये अपने ग्रुप से अलग के बंदे को आने नहीं देते, बिल्कुल भगा ही दिया। क्या गजब है। अभी रात के बज चुके हैं 8 और दोस्तों मैं अभी अपने रूम पे पहुंच चुका हूं। सारा पोल उतरवा लिया, टोटल 2 ट्रक हमारे पोल आए थे जो कि स्टोर से आए थे हमारे पास, वो हमें अब लगाना है। क्योंकि आपको पता ही है, वीडियो में आपने देखा ही, मैं अभी गड्ढे करवा रहा हूं और जहां जहां पोल लगवा लिया हूँ वो सारी जगह अभी मैं केबल डाल रहा हूँ। तो ये सारे पोल जो आए इन सभी को हमें फिर से लगाना है। गड्ढे सारे कंप्लीट होने के बाद उसके बाद इसके ऊपर केबल डालना है। तो ये सारी काम को कर लिया हूँ, अभी पोल उतरवा लिया हूँ अपने स्टोर में जो कि अभी हमारा जहाँ रिहाइश है, जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ। फिर यहाँ से जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी 2 पोल, 4 पोल, 10 पोल, जितने भी पोल की ज़रूरत पड़ेगी हम उठा के ले जाएंगे और वहाँ लगाएंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग का शुक्रिया, आप लोग का धन्यवाद, गुड बाय दोस्तों।